कोई सेवा के लिए कोई कर्तव्य या कोई राजनीति के परिपेक्ष में कोई बात मैं नहीं करता। या मेरी बात ये नहीं रहती है कि उससे हमको वोट मिलेगा, जो इतने लंबे समय के बाद 83 में हम मुखिया बने खुर्दा के और तैस हो गया 40 साल के बाद, इतनी नासमझ तो नहीं ही ना है कि लगातार 83 के बाद 1,00,000 डेली यदि हम पाते होंगे तो 280 करोड़ को क्रॉस कर जाने के बाद इतने बेवकूफ तो नहीं होंगे कि हम कल भी 1,50,000 रुपया बांट के आए खगड़िया में और कल फिर 1,00,000 का सामान जा रहा हो, तो इतना बेवकूफ तो हम नहीं होंगे कि मेरा चुनाव सामने में है और खगड़िया में हम पैसा बांट रहे हैं और हमको 4 करोड़ रुपया होगा तो हम चुनाव लड़ पाएंगे जीत पाएंगे, नहीं होगा तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, कल के दिन वो 4 करोड़ रुपया चंदा ही मांगना पड़ेगा। तो हमें समझ है, यह बेसिक सवाल इस दुनिया में हमेशा बात होती है, ये पप्पू यादव कौन सा टेबलेट खाता है कि सोता नहीं है, ये पप्पू यादव कौन सा टेबलेट खाता है कि कोरोना में मरा नहीं, ये पप्पू यादव कल 45 डिग्री था जिसमें 20 लोग बिहार के मरे और हम मोटरसाइकिल पर चले तो हमको लू नहीं लगा, क्योंकि मेरा जो मेंटल लेवल है वो इंसान के साथ है, लू के साथ नहीं था। यदि हमारा मेंटल लेवल लू के साथ होता तो लू लग जाता और इंसान के साथ नहीं होता, हमारी चीजें खत्म हो जाए। अपने अपने तरीके, दुनिया में बहुत सारे लोग आए हैं जो महापुरुष या कुछ बने हैं तो अपने तरीके से जीवन को जीते हैं। अब यह बिंदु बहस का नहीं है कि पप्पू यादव सेवा क्यों करता है, पप्पू यादव पैसा कहां से लाता है, पप्पू यादव बांटता क्यों है, पप्पू यादव देता क्यों है, पप्पू यादव करता क्या है। विषय यह है कि पप्पू यादव जिस परिवार को खड़ा किया है बिहार में, उस परिवार का साइन उसका आज भी, जितने दल होंगे उसकी विचारधारा मर गई होगी, उसके भीतर जाति होगा, धर्म होगा, नफरत होगा, गाली गलौज होगी, लूट होगा, दूसरों को ठगना होगा। ये जो ताकत बैठी है, जो पप्पू यादव से लंबे समय से 20 साल 25 साल 30 साल से जुड़ा हुआ है, जो नए समय से, अब ये लड़का दोनों मुखिया है, ये सीतामढ़ी वो लड़का उठी, मैं कई दिन पहले जाना हो कि आप जादव नहीं है और कुशवाहा नहीं है, दूसरा आप बताइए कब जाने हम? एक सप्ताह पहले आप कब थे छात्र अध्यक्ष मेरा? 2009 के बाद एक सप्ताह पहले सीतामढ़ी किसी घटना में गए जहां पर जिंदा चला करके मार दिया 3 लोगों को, खाने तक के लिए नहीं था, वहां के बगल में एमएलए थे, मारा भैंस को, उनके बारे में मुझको आज से एक सप्ताह पहले जाना हो कि वो जादव और कुशवाहा नहीं है, हम माथा ठोक लिए कि हम तो आज तक ये जानते थे पप्पू जी के साथ रहते थे और पप्पू जी भी हमको नहीं बताए वो जादव नहीं है, इन्हीं के छात्रावास में हम एक सप्ताह पहले जाने। जो आदमी पप्पू यादव के लिए गोदी से अभी तक पागल है और पप्पू यादव की विचारधारा से ये दोनों मुखिया बना,